गुड मॉर्निंग छात्रों, अमराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, कैंसर के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज कैंसर का उपचार और उसकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। ये आज कैंसर का ये लास्ट टॉपिक है। तो कैंसर में हमने आपको बताया था जो प्रोटो ऑन्कोजीन के इनहिबिट होने के कारण से या म्यूटेट होने के कारण से कैंसर्स हो जाते हैं। एबनॉर्मल सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसरस सेल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें कल चर्चा हुआ था इसके पहले। तो इसमें उपचार के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, थेरेपी के बारे में बताया था, सॉरी उसके डायग्नोसिस के बारे में बताया था कल। आज उसका हम ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो किया जाता है शल्य चिकित्सा के जाता था, सर्जरी। सर्जरी का मतलब होता है किसी अंग को चीरना या फाड़ना। तो इसमें होता क्या है, कैंसर में जो कैंसर ग्रस्त ऊतक होते हैं या गांठ होते हैं उनको काट करके निकाल लिया जाता है। ये थोड़ा सा कहने में अजीब लग रहा है, लेकिन मैक्सिमम जहाँ तक संभव है, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है तो उसके कैंसर ग्रस्त ऊतक को या गांठ को काट करके निकाल लिया जाता है, तभी व्यक्ति को कैंसर से बचाया जा सकता है। लेकिन यह सभी जगहों का नहीं हो सकता, कुछ ही जगहों का होता है, खास करके ब्रेस्ट कैंसर में देखा गया है। और फिर इसके बाद रेडिएशन थेरेपी, ये भी एक फेमस है। इसमें यदि किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है तो रेडियोएक्टिव किरणें उस भाग पर डाल करके या उस भाग की कहते हैं सिकाई करके कैंसर से बचा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो रेडिएशन थेरेपी होता है इसमें जो विकिरण होती है वो आबुर्ध, मतलब जो कैंसर सेल हैं उन पर डाला जाता है, जिससे वहाँ की कोशिकाएं इरिटेट होकर के डिग्रेड हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और कैंसर से बचा जा सकता है। इसमें जो कोबाल्ट थेरेपी और आयोडीन थेरेपी, एक्सरे किरणें दिए जाते हैं, इनके प्रभाव से कोशिकाएं तेज़ी से नष्ट होती हैं, जैसे कि वो डिवीजन नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण से व्यक्ति बच जाता है। फिर तीसरा जो है रसायन चिकित्सा, कीमोथेरेपी। इसमें एंटी कैंसर ड्रग्स दिए जाते हैं। एंटी कैंसर जो ड्रग्स हैं, ये तीन नाम दिया है, टैक्सोल है, विनब्लास्टिन है, विनक्रिस्टिन है। ठीक है, ये तीन दिए जाते हैं, लेकिन इन दवाओं का तीव्र रूप से व्यक्ति पर प्रभाव देखने को मिलता है। उसमें उसके शरीर के बाल झड़ने लगते हैं, उसमें एनीमिया हो जाता है, और जब एनीमिया हो गया तो व्यक्ति को बचाना संभव नहीं होता। इसलिए ये बहुत लास्ट में प्रयोग किया जाता है, नुकसान इसमें ज़्यादा होते हैं रसायन से। तो ये इनके द्वारा जो है कैंसर से बचा जा सकता है। इसके बाद कैंसर रोग में जो वायरस की भूमिका होती है, ये रेट्रो वायरस होते हैं। इसमें आरएनए युक्त वायरस होते हैं, इन्हीं को रेट्रो वायरस कहते हैं, और कुछ डीएनए युक्त वायरस होते हैं, जैसे पैपो वायरस है, पोक्स वायरस है, और एडिनो वायरस है, हार्पीज वायरस है, ये हेपेटाइटिस भी है, डीएनए वायरस है। तो जो रेट्रो वायरस होते हैं वो कैंसर को फैलाने में ज़्यादा रोल अदा करते हैं। इन्हीं का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। इसी तरीके से अनेक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, HPV, जो कैंसर से संबंधित है। ये कैंसर के लिए लगभग 99% कारण होता है, किसी के द्वारा होता है, या जो मोस्टली ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। और ये जो है लीवर कैंसर HBP के द्वारा होता है, ह्यूमन हर्पीज वायरस के द्वारा होता है, और
इसके द्वारा से जो है सार्कोमा रोग भी हो जाता है। ये सारी समस्याएं हैं। तो इस तरीके से हमारा कैंसर समाप्त हुआ। और फिर जो दूसरा है हम पढ़ेंगे, हम मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे थे, तो मानव स्वास्थ्य में हम पढ़ेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल का कुप्रभाव, ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़, इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो पहली चीज़, जितने भी नशीले पदार्थ हैं ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और इनसे हमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। हमारे लीवर्स ख़राब होते हैं, लंग्स ख़राब होते हैं, कैंसर की भी शिकायत मिलती है, जो माउथ कैंसर है, नेक कैंसर है, ये सारे कैंसर्स भी इसके थ्रू मिलते हैं। और एक विशेष अवस्था, मतलब जैसे एडोलसेंस के यौनावस्था में जो है व्यक्ति जो है मनुष्य समाज में जुड़ना शुरू हो जाता है। तो समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं और इन विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा इनको भी अपने तरफ मिलाने का प्रयास किया जाता है, जिससे व्यक्ति गलत रास्ते या गलत संगत करने से वह नशे का आदी हो जाता है, जिसके कारण से वह अनेक समस्याओं से घिर जाता है। जब आदत हो जाता है तो वह आदत को छुड़ाने के लिए वह किसी डॉक्टर का सहारा लेता, और जिससे परंतु यह इतना आसानी से नहीं हो पाता है, क्योंकि जब वो ड्रग्स का आदी हो जाता है तो चिंतन, कंपन, पसीना आना, पेशियों में ऐंठना, ये सारी उसके शरीर में बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। और धीरे धीरे वह इस समस्या से ग्रसित होकर के अपने जीवन के समाप्ति की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो नशीले पदार्थ हैं वो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। अभी नशीले पदार्थों में कौन कौन से नशीले पदार्थ आते हैं, अब इन सब नशीले पदार्थों की चर्चा हम कल करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।